हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं अब day 3 में केरला ट्रिप की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच साइड। अभी हम माउंटेन में घूम रहे थे, अब हम जा रहे हैं बीच साइड। तो ये देखो, ये भी रास्ते में बीच बीच में बहुत ही मस्त व्यू था, तो मैंने कैप्चर किया है। ये सारे टी गार्डन्स है, मीन्स कि यहाँ पे टी की खेती होती है, चाय की खेती होती है। तो ये सारे टी गार्डन्स हैं यहाँ पे, सिर्फ यही दिखाई देता है चारों तरफ जब भी हम जाएँ ना तब। और ये देखो, ये जो एक पॉलीथीन जैसा बांध के रखा है ना पेड़ पे, ये कुछ वो कागज़ या ऐसे कुछ पेड़ थे, उसमें से वो गूंद निकलता है और बाद में वो कुछ बनाते। और ये देखो, ये लोग सब जा रहे हैं सबरीमाला, वो कुछ केरला साइड के गॉड है, वहाँ पे जाते हैं। और ये सब ऐसे तपस्या करके जाना होता है, 40 डेज का कुछ फास्ट रखते हैं, ऐसे सब कुछ होता है। और सब लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे कपड़े पहन के और वह सब। और हम लोग पहुँच गए बीच में, कोल्लम बीच पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे पानी में, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमें और मैं पहले से ही हमको यहाँ पे ऐसे बैठे थे। आपका क्या कहना है मेरे पास से? आप बोलिए, आपका क्या कहना है ये बीच के बारे में? बोलिए आप। आई डोंट लाइक दिस बीच। यू डोंट लाइक दिस बीच? ये अगले दिन सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था और अब हम पहुंच गए दूसरे लोकेशन में। अभी हम आए हैं वड़क्कम। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, वो गणपति जी की मूर्ति बहुत ही मस्त थी यहाँ पे एंट्रेंस में ही। और वहाँ पे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ये देखो, ये हमारा जो ब्रेकफास्ट एरिया और लंच मीन्स की फूड एरिया जो था ना, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट, वहाँ से ये व्यू दिखता है। और बहुत ही ज़्यादा बारिश थी तब, तो हमने ये मस्त सब व्यू एंजॉय करते हुए, बारिश के मज़े लेते हुए ब्रेकफास्ट किया था। वहाँ सामने बीच दिखाई दे रहा है, ये देखो ये बीच है। हमारे होटल के एकदम एग्जैक्ट सामने ही बीच था। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। ये सामने हो रही है बारिश और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये हमारे रूम का व्यू, मैंने रूम टूर नहीं लिया था, बस हम चेकआउट करने वाले थे तब। देखो अभी भी बारिश तो गिर ही रही है। अभी हम चेकआउट कर रहे थे, तो ये देखो बीच कितना मस्त लग रहा है। और ये उसका टेरेस एरिया था, यहाँ पे एंजॉय करने में मज़ा आया, बट बारिश थी इसलिए हम बैठ नहीं सकते। हम लोग निकल गए, अभी हम लोग जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। देखो बीच पे हम लोग पहुंच गए हलप्पी। हम बीच में पद्मनाभ स्वामी टेंपल गए थे, बट वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने कुछ मीन्स के वीडियोस नहीं ले पाए।
वहाँ पे भी बारिश तो लगातार पड़ी ही थी। ये हम हमारे रिसोर्ट में एंटर हो गए। यहाँ पे रिसोर्ट था एलएपी में। ये हमारा केरल ट्रिप का लास्ट डे है। ये बहुत ही सुंदर रिसोर्ट था। मैं आपको बाद में इसका टूर दिखाऊंगी। अभी भी बारिश तो गिरी रही है। हम पहुँच के तुरंत ही चेक इन नहीं किया था, तुरंत ही सामान सिर्फ रख के हम लोग निकल गए थे हमारी ये सिकारा राइड पे। सिकारा राइड पे ये पानी था वैसे बीच में, सिटी के बीचों बीच, और वहाँ पे हमें लेके जाते हैं, एक घंटा राइड करवाते हैं। बट इतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये जो राइड होती है वहाँ पे जो ये मशीन से चलती है हमारी सिकारा, वो उसमें से धुआं बहुत निकल रहा है, तो गले में बहुत ही वो आ रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। और ये पानी पूरा ब्लैक पानी हो गया था, और बारिश तो आज पूरे दिन से लगातार हो ही रही है। तो हमने हमारी सिकारा राइड एंजॉय की, और बाद में यहाँ पे ही ऐसे ही फोटोज़ वगैरह सब कुछ हमने खिंचवाए थे। ये देखो हम लोग सब आपको हाय बोल रहे हैं, हम सब बोलेंगे एक के बाद एक। ये जिस साइड वो चल रही थी ना, उसकी आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो पूरा म्यूट ही कर डाला था। एक घंटे की पूरी राइड थी हमारी। हमको तो ऐसे बीच में से ही उतरने का मन हो रहा था, बट हमने उतरे नहीं, बैठना पड़ा एक घंटा। सिटी के बीचों बीच से ही निकल दिए है। हमने वहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह सब कुछ क्लिक करवाया, और ये देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ रिवर ऐसे जॉइंट होती है, ऐसा कुछ वो पॉइंट था, बट वो हमें दिखाया नहीं। और हम यहाँ से अब वहाँ से ही मोड़ ले गए। वो कुछ भैया बोल रहे थे कि स्पीड बाइक, हमने ना बोल दिया। देखो ये स्पीड बोट है, तो भैया बोल रहे थे ना कि उसमें अगर आप बैठे तो यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा था। ये पानी भी थोड़ा अच्छा था, मीन्स कि क्लीन था। वो वाला तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, वही वाला। सारी जगह बस सिकारा ही सिकारा थी यहाँ पे। और ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हमारे रिसोर्ट पे रात को, बट बारिश तो लगातार थी ही। अब ये नेक्स्ट डे सुबह हो गई है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये देखो हमारा कॉटेज था, कॉटेज टाइप था वो, हमारा शोरूम था वो। और हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। ये देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये तीनों अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरा ख़त्म हो गया है, मीन्स मैंने कर लिया है। जो कि देखो तो मेपल ने भी कर लिया है, बट हमारी मीरा कुमारी को बहुत देर लगती है।
और हमारे रिसोर्ट के बाजू में ही यहाँ पे ऐसे था, वो क्या बोलते हैं, हाउस बोट थी। हाँ हाउस बोट थी, हम लोग हाउस बोट पे नहीं स्टे किया था क्योंकि हमको तो एक घंटे में भी ऐसा हो गया था, तो हम हाउस बोट पे नहीं स्टे किया था, हम ऐसे ही घूम के आ गए थे। ये हमारे रिसोर्ट के बाजू में मीन्स की रिसोर्ट की थी हाउस बोट्स, उसमें सब लोग स्टे करते हैं वन नाइट के लिए। ये हमारा जो एरिया था लंच मीन्स का रेस्टोरेंट एरिया, वो बहुत ही मस्त जगह पे था, ऐसे व्यू बहुत अच्छा था। वैसे ये रिसोर्ट ही बहुत ही मस्त था पूरा, यहाँ पे दो तीन दिन रुकने का हो तो ज़्यादा मज़ा आए ऐसा था, बट हमारी वन नाइट स्टे ही थी यहाँ पे। आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पे केरला में, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम कैसा था मीन्स की कॉटेज कैसा था। ये मीरा जी आ गई, अभी भी बारिश तो थोड़ी थोड़ी रही है ही, देखो भाई अच्छा था लेके जा रहे हैं ना, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। मम्मी रखा था वो वाला कुछ हो रही है हमारा, हमने चेकआउट कर लिया था तो ऐसे ही सब कुछ पड़ा था, बट मैंने चेकअप नहीं रूम टूर ले लो। तो ये एंट्रेंस में यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स और सब लगी थी, ये आप चाय कॉफ़ी यहाँ पे पी सको। और ये हमारा रूम का एंट्रेंस, और मस्त पूरा ओल्ड विंटेज टाइप था सब कुछ ऐसा था उसका फर्नीचर। यहाँ पे बाहर ये सब ओपन बाथ एरिया भी था और ऐसे फ्लोर वाला भी था, ये सब था, बहुत मस्त था कोजी सा कॉटेज हमारा। हमने लास्ट फोटो खिंचवाया यहाँ पे रिसोर्ट पे, और हम लोग निकल गए अहमदाबाद की ओर। हमारे कोची से अहमदाबाद की फ्लाइट थी डायरेक्ट वाली, बच्चों से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पर